हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको सबसे पहले साइंस के क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके बाद मैथ और जस्ट उसके बाद आपको सोशल साइंस के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पर आए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जो लोग नए हैं और पहली बार चैनल्स पे आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और चैनल वीडियोस देखते हैं तो एक लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है, ठीक है। और पिछला जो वीडियो हुआ था रिविजन में ही डिविजन है, उसमें बेस्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स का नाम है रुखसार खान, भूमि सिंह, अफजल अंसारी, आरिफ अंसारी, नीरज सब्बा, परवेज। आप सब बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह से आप सब मेहनत करते रहें और आगामी एग्जाम में आपको बेस्ट प्रदर्शन का जरूर सफलता के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो अब आइए, और नए स्टूडेंट्स में हरिचंदर सिंह जो आ रहे हैं वो भी बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से मेहनत करते रहे। तो आइए आप सबको अब हम क्वेश्चंस दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन होगा, जो क्वेश्चंस आपके सामने है पढ़ के बता रहा हूँ। लिखा है कि किसी बल्ब से 220 वी पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 55 ओम, बी है 110 ओम, सी है 220 ओम, डी है 440 ओम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सब इसका जवाब दें, आपके कमेंट का इंतज़ार है हमें। आइए मैं इसका सोल्यूशन करके बताता हूँ। R बराबर सूत्र होता है प्रतिरोध बराबर V बाई I, तो V का मान है 220 वोल्ट और आई का है 2 एम्पियर, दो से कटाइएगा तो 110 बार में कट जाएगा, यानी कि 110 एम्पियर, ठीक है ना। तो अतः इसका करेक्ट आंसर 11 का बी होगा। आप सब अपना आंसर मिला ले करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन 12 पे नज़र डालते हैं। देखिए आपके सामने 12 है, जिसमें लिखा है किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है। पहला ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, बी ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई, सी है साइन आई इंटू साइन आर, और डी है साइन आई इंटू साइन आर, यानी सी और डी दोनों एक ही ऑप्शन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में जवाब दें, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ और आप सब मिलाएंगे कि मेरा सही हुआ है कि नहीं। देखिए अपवर्तनांक जो होता है उसे म्यू से सूचित करते हैं, और म्यू का जो सूत्र होता है साइन आई बटा में साइन आर, ये सूत्र होता है अपवर्तनांक का, इसलिए 12 का करेक्ट आंसर ये सही होगा। आप सब भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चंस 13 पे नज़र दिखा रहे हैं। देखिए 13 क्वेश्चंस लिखा है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। पहला ऑप्शन है 3600 जूल का, बी है 3.6 × 10⁶ जूल का, सी है 36 × 10⁶ जूल का, और डी है 36 जूल का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से, आप सब इसका जवाब दीजिए। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ और आप सब मिलाइए कि मैंने सही जवाब दिया है कि नहीं। देखिए किलोवाट क्या लिखा है, किलोवाट घंटा, किलो के मतलब 1000, और घंटा से सेकेंड में बदलने के लिए 3600 से गुना होता है, ठीक है। तो 36 और 3 गो और 2 गो मिल के हो गया 5 गो, इतना जूल हो गया ना। फिर आगे हम लिख सकते हैं, अगर एक पॉइंट लगाते हैं 36 × 10⁵ जूल, और इसी को अगर इस रूप में लिखना हो आगे बढ़ा के तो पॉइंट लगाएंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको नज़र आ रहा होगा 13 का क्या होगा, बी सही है, ठीक है। आप सब कमेंट में मिला है कि सही है कि नहीं। आइए अब आप सबको क्वेश्चन 14 दिखाता हूँ। ये देखिए आगे जो 14 क्वेश्चंस हैं
वो रसायन शास्त्र से लिया गया है, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है O2, बी है NO2, सी है NO2 और N2, डी है NO2 और O2। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है, जवाब दे इसका। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 प्राप्त होता है, ठीक है ना। 14 का करेक्ट आंसर बी सही है। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, इसी को लेड नाइट्रेट बोलते हैं। इसको जब गर्म किया जाता है तो NO2 नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसलिए 14 का करेक्ट आंसर बी सही है। आप सब मिला लें कि मेरा सही है कि नहीं। आगे देखिए 15 क्वेश्चन लिखा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी है क्लोर अभिक्रिया, सी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, डी है संयोजन अभिक्रिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप सब इसका करेक्ट आंसर का जवाब, इसका करेक्ट आंसर बताएं। 15 का सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na2O से NaCl से जलीय विलयन यानी H2O के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है ना, ये कौन सी अभिक्रिया कहती है। तो आप लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, तो इसमें सोडियम जो है क्लोरीन से अलग हो जाता है, और जब कोई अलग होता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी अपघटन अभिक्रिया। इसलिए 15 का करेक्ट आंसर सी सही है। आप सब मिला लें कि सी सही है कि नहीं आपका भी, ठीक है। आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन से सुन ला, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला Na2CO3 × 5H2O, बी है Na2CO3 × 10H2O, सी है Na2CO3 × 7H2O, डी है Na2CO3 × 2H2O। बताइए 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे धोने के सोडा दिया गया है ना, जिसको वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र दिया है, रासायनिक फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन दिया है, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। कमेंट में आप सब बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता है, ठीक है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इन चारों ऑप्शनों से बी ऑप्शन सही है, Na2CO3 × 10H2O, यही जो होता है धोवन सोडा वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है लिथियम, बी है कैल्शियम, सी है कॉपर, डी है आयरन। बताइए आप सब इसका कमेंट में जवाब बताइए, किसे चाकू से काटा जा सकता है, जल्दी से जवाब दे। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखिए चाकू से जो काटा जा सकता है वो लिथियम है इसमें, इसलिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ये सही है। सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन इसमें सोडियम ऑप्शन में नहीं है, तो उसके जस्ट बाद लिथियम आता है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, इसलिए 17 का करेक्ट आंसर है सही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन में तीन आबंध होते हैं। पहला CH4, बी है C2H6, CH3H4 और DH3H8। थ्री आबंध को बताना है। आप सब कमेंट में इसका जवाब दे, कौन किसमें तीन आबंध पाए जाते हैं, जल्दी से आप सब जवाब दे। तो देखिए थ्री आबंध जो होता है एल्काइन में पाया जाता है, और एल्काइन का सूत्र होता है कि कार्बन के जितने परमाणु तो उसके दोगुना से दो कम होता है। तो देखिए तीन का दोगुना, इस चार ऑप्शन में से मैं जो सही है उस ऑप्शन को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन एक है, कार्बन का दोगुना दो,
से दो कम तो जीरो हाइड्रोजन होना चाहिए थी, तो ऑप्शन गलत है। इसका दोगुना चार होगा और इससे दो कम तो दो होना चाहिए था, नहीं है। तीन का दोगुना छः होगा और चार उसमें से घटा लीजिए, दो घटा लीजिए तो कितना होगा चार। यानी सी थ्री एच फोर जो है वो एल्काइन को दर्शा रहा है और इसी में त्रिया बंद होंगे, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर सी सही है। ठीक है, आगे देखिए 19 और 20 क्वेश्चन जो दो नज़र आ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? पहला सी एच ओ बॉन्ड सी एच ओ, फिर है डबल बॉन्ड सी ओ, फिर सी ऑप्शन है बॉन्ड सी डबल ओ एच, और डी है बॉन्ड ओ बॉन्ड। बताइए इसमें कार्बोनिल ग्रुप को बताना है कौन सा, इसमें जल्दी से आप सब इसका कमेंट करके जवाब बताइए। आइए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का ए सही है, बॉन्ड सी एच ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक है ना, और ये जो है कीटोन का है, सी डबल ओ जो है कार्बोसिलिक अम्ल का है, और ओ जो है ईथर का है। तो इन चारों ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन जो है जिसको एल्डिहाइड भी कहते हैं और कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, इसलिए 19 का करेक्ट आंसर ए है सही। ठीक है, आप सब मिला लें। देखिए अगला क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक बताना है। पहला ऑप्शन है सी यू यानी कॉपर, बी है एच जी, सी है ए जी, डी है ए यू। बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है चारों में से? आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इन सब में से ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है एच जी है, जिसको हाइड्रागिरम और इसका एक और नाम है पारा। तो इसका करेक्ट आंसर 20 का भी सही है। तो आप सबको मैंने जो अभी क्वेश्चंस बताए उसमें कितने करेक्ट है कमेंट में बताइए। आइए अब हम आप सबको शुरू करते हैं और दिखाते हैं मैथ के क्वेश्चंस। तो देखिए मैथ के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होगा। पीछे इसकी जो वीडियोज़ हुए थे उसमें रुखसार खान और भूमि सिंह ने ज़बरदस्त मैथ में प्रदर्शन किया था, और आप सब भी बेस्ट प्रदर्शन करें, आप सब भी अच्छे मेहनत करेंगे तो आप सबका भी बेस्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। आप सब इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कौन सा सही है। और जो लोग नए हैं मैं उनको एक बार अपना टाइम बता देता हूँ कि डेली 7:30 बजे लाइव क्लास चलता है, आप सब डेली आने की कोशिश करें। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबके पास थोड़ा सा केवल समय है तो आप सब अपने दोस्तों फ्रेंड्सों और मित्रों में वीडियोज़ को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, है ना। तो आइए अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 15 नज़र आ रहा है मैथ का, तो मैं पढ़ के बताता हूँ, आप सब इसका करेक्ट जवाब देंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, है ना, बहुपद नहीं है। क्वेश्चंस को क्लियरफुली पढ़ना है और उसका जवाब देना है, इसमें बताना है बहुपद नहीं है। पहला है -7, बी है y² + √2, सी है √3x + 2 + 7, और डी है (4x²) - 3x + 7। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आप लोग को मैंने थ्योरी में पढ़ाया है कि चर का घात जो है रूट में नहीं होना चाहिए, चर जो का घात है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और चर का जो घात है भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन, ये चार ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शन में से नंबर सी ऑप्शन पर गौर कीजिए जिसमें लिखा है रूट एक्स लिखा है, इसलिए रूट एक्स जो है चर जो है रूट में, इसलिए यह बहुपद नहीं है। और क्वेश्चंस भी यही पूछ रहा था कि कौन बहुपद नहीं है, इसलिए 15 का करेक्ट आंसर सी सही है। ठीक है, आप सबका भी यह जवाब आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 16 लिखा है, यदि द्विघात बहुपद पी सी 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन है -2/3, बी है -2, सी है 2, डी है -3/2। आप सब कमेंट में इसका जवाब दें, जल्दी से फास्ट जवाब दें। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, तो ए बी, बी के जगह पर 3 है तो -3, और ए की जगह पर क्या है 2, तो -3/2। तो 16 का करेक्ट आंसर अब आपको नजर आ रहा होगा कि डी में लिखा है -3/2, 16 का डी सही है। क्लियर, आइए अगले क्वेश्चन 17 पे नज़र डालते हैं जिसमें लिखा है बिंदुओं -5, -7 और -1, 3 की बीच की दूरी है। पहला ऑप्शन है 2√2, बी है 3√2, सी है 4√2, और डी है 5√2। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए जल्दी से जवाब दे। आपको मैं सोल्यूशन करके बताता हूँ
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए ये जो बिंदु दिया है उसको मैं बना रहा हूँ कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, -5, 7। तो देखिए इसका आपने सूत्र पढ़ा होगा, अंडर रूट x2 - x1। तो x2 का जो मान है -1 और ये x1 का माइनस है, और माइनस सूत्र मतलब +5 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 - 7 का स्क्वायर। क्लियर, तो 5 में से 1 घटेगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ पे भी 7 में से 16 होगा, 16 16 32 होता है, और 32 का वर्गमूल 4√2 होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर जो होगा 17 का C सही है। ठीक है, आइए आगे देखिए क्वेश्चन 18। ये देखिए आपके सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, पहला ऐसा है 4πr² बी है 3πr² सी है 2πr² डी है πr², बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए जवाब देते हैं और मिलाइए अपना आंसर सही है कि नहीं। अर्धगोले का संपूर्ण पूछ दे तो 3πr² होता है, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर बी सही है। 2πr² अगर वक्र पूछता तो होता है, ठीक है ना। तो जो लोग गलत जवाब दे रहे हैं वो मिला लीजिएगा, संपूर्ण में 3πr² रहता है। आगे देखिए 19 क्वेश्चन, 44 मीटर प्रति वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, पहला ऑप्शन 14 मीटर, बी है 7 मीटर, सी है 5 मीटर, डी है 44 मीटर। बताइए परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगा, तो देखिए वृत्त की परिधि के सूत्र होते हैं 2πr = 44। अब यहाँ 2π का मान 22/7, आर छोड़ दीजिए, = 44। तो ये देखिए 22 × 44 होता है, इधर भी 44 है, कैंसिल एक बार में, तो r = 7, क्या होगा 7 सही होगा, इसलिए 19 का जो करेक्ट आंसर है वो बी सही है। ठीक है ना, तो अतः इसका करेक्ट आंसर बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन 20 पे नजर डालते हैं, जिसमें लिखा है यदि l समांतर m हो तब d का मान होगा, देखिए 3d + 50 और संगत कोण दिया है 2d + 20। पहला ऑप्शन है 22 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 80 डिग्री। ये तो क्वेश्चन VBI परीक्षा की दृष्टि से 2021 में आने वाला है, मतलब आप सब इसका जल्दी से सोल्यूशन करके कमेंट में जवाब दे कि डी का मान क्या होगा, जवाब दीजिए। इसके बाद मैं सोल्यूशन करता हूँ। आइए मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर होगा, कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का जोग, आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का जोग 180 डिग्री होता है। तो आइए जोड़ देते हैं 3d + 50 + 2d + 70 = 180। ठीक है ना, तो 3 गुड्डी या 2 गुड्डी मिल के हो गए 5 गुड्डी या 50 = 70 = 180। तो 5d = होगा 180 - 70, तो d = घटा लीजिएगा तो 110, अब बटा में 5 5 ले कटेगा तो 22 डिग्री। d का इक्वल मान कितना आ गया 22 डिग्री, क्या आया 22 डिग्री, इसलिए आपका 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ए सही है 22 डिग्री। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर ए सही है। आइए अब आपको क्वेश्चन नंबर 21 दिखा रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 21 है, यह आपका फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, पहला ऑप्शन θ/260 × πr³, बी ऑप्शन है θ/360 × πr, सी है θ/270 × πr² और डी है θ/360 × πr². बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर देता हूँ, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 × πr² है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। क्लियर, आइए आगे क्वेश्चन 22 पे नजर डालते हैं, जिसमें लिखा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन वाई निर्देशांक, बी है एक्स निर्देशांक, सी है कोटि, डी है वाई अक्ष, बताइए। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका जो होगा वाई अक्ष से जो दूरी होता है, वाई अक्ष से दूरी अर्थात एक्स का मान है ना, ये ग्राफ होता है और इधर वाई अक्ष नापिएगा तो एक्स का ना मान होगा, और एक्स का जो मान होता है उसे भुज कहते हैं, एक्स निर्देश, यहाँ पे भुज नहीं ऑप्शन दिया है, इसलिए एक्स निर्देशांक सही होगा ना, आप लोग मिस्टेक ना करें, क्योंकि एक्स अक्ष से जो दूरी होता है अर्थात वाई का मान कोटि कहलाता है, जब वाई अक्ष से दूरी पूछ दे तो एक्स निर्देशांक का मान होता है, जैसे ये वाई अक्ष हो गया इससे दूरी, तो इससे दूरी किसका ना पा रहा है, एक्स का मानना ना पा रहा है,
तो x का जो मान हो उसे x निर्देशांक कहते हैं, इसलिए 22 का जो करेक्ट आंसर होगा b ही सही है। आप इस दूसरे फेरा मना रहे हैं, यही करेक्ट आंसर है, एकदम सही बताया जा रहा है आपको। आगे देखिए 23 क्वेश्चन, 40 का आंसर नहीं होगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है 4:9 है, 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। पहला है 2:3, बहुत ही VBI क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन आता ही है। बी है 4:9, सी है 16:81, डी है 81:16। तो आप लोगों ने परमे पढ़ा हो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इसलिए 4 का जो वर्ग होगा 16 और 9 का जो होगा क्या होगा 81। बस डायरेक्ट बिना समय लिए डायरेक्ट आंसर हो गया इसका, 16:81 वर्ग कर देना है सिर्फ 4 और 9 का, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसलिए 23 का करेक्ट आंसर सी सही है। ठीक है, आगे देखिए 24 क्वेश्चन। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो समांतर चतुर्भुज होता है। पहला आयत, बी है वर्ग, सी है समचतुर्भुज, डी है समलंब चतुर्भुज। ये भी क्वेश्चन परीक्षक में बहुत बार आया है, आप इसका जवाब दें जल्दी से। आइए मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। इसलिए 24 का करेक्ट आंसर सी सही है। आगे देखिए 25 और 26 क्वेश्चन पर नजर डालिए। कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6.4 में कोटि का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 6, बी है 4, सी है 5, डी है 2। बताइए जल्दी से इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो x का मान होता है वह भुज कहलाता है और जो y का मान होता है कोटि कहलाता है। तो y का मान देखिए 4 है और क्वेश्चन में कोटि पूछ रहा है, इसलिए कोटि बराबर 4 होगा। इसलिए 25 का करेक्ट आंसर भी सही है। आगे देखिए 26 क्वेश्चन, जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। पूछ रहा है कि एक गठगोले का आयतन इतना मीटर क्यों है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। पहला ऑप्शन देख लीजिए 41.58 है, फिर 16,632 और सी है 3,116 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डी है 39,3696। तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सोल्यूशन करके अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है ना, आप इसका सोल्यूशन करके बताइए। आपके लिए है क्वेश्चन स्पेशल, मैं इसका सोल्यूशन नहीं करने वाला, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, आप सबके लिए क्वेश्चन है स्पेशल, आप सब इसका कमेंट में जवाब दे क्या होगा। जल्दी कीजिए, सोल्यूशन कीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं, अगर जिन लोगों ने बना लिया अच्छा है, नहीं बनाया है तो कमेंट बाद में जरूर कीजिएगा बना के। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। ठीक है, तो अभी जैने मैंने जो आपको मैथ के क्वेश्चन बताए उसमें कितने सही है कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अब आप लोग के लिए मैं लाता हूँ सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखिए सोशल साइंस के क्वेश्चन। देखिए आपको सामने जो ये क्वेश्चन है ये आपके सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाला भूगोल का है, जिसको जियोग्राफी कहते हैं, उसके बीबीआई क्वेश्चंस है। तो आइए आपको क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और फटाफट सटाक्षट इसका जवाब देंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। अभी तक आप लोग जिन लोगों ने वीडियोज को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोक दे, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन से 11 जो है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। पहला रेगोर, बी है बलुई, सी है लाल, डी है पर्वतीय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जवाब दे। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगोर मिट्टी है, 11 का एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए 12 क्वेश्चन। किस राज्य में खनिज तेल के विशाल भंडार स्थित है। पहला असम, बी है राजस्थान, सी है बिहार, डी है तमिलनाडु। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। असम राज्य में खनिज तेल के विशाल भंडार स्थित है, 12 का एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए 13 क्वेश्चन। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, पहला श्रम, बी है संगठन, सी है साहसी और डी है, यहाँ पे डी ऑप्शन बना लीजिए, भूमि। 13 का करेक्ट आंसर बताइए आप सब, उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है। आइए इसका मैं करेक्ट आंसर जवाब दे रहा हूँ, श्रम जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। इसलिए 13 का करेक्ट आंसर है सही है। क्लियर, आइए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। पहला वह नस्वान है, वह मनुष्य निर्मित है, सी है उसमें गतिशील का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। बताइए, ये भी देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन बना लीजिए ना, डी ऑप्शन। 14 का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए सही है, वो नस्वान है। ठीक है ना, आइए आगे देखिए 15 क्वेश्चंस।
अर्थशास्त्र में भूमि का तत्पर्य पहला प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, बी है जमीन का ऊपरी सतह, और दो ऑप्शन नहीं है, यही दोनों में से कोई सही आप लोग जवाब दीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा 15 का ए सही है, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं है, ठीक है ना। आइए आगे क्वेश्चन 16 पे नजर डालते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, पहला है बढ़ई, बी है भिखारी, सी है ठग, डी है यहाँ शराबी, है ना, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, हर जगह ए छप गया है, डी होना चाहिए ना। बताइए कौन उत्पादक है, 16 का करेक्ट आंसर बताइए। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, उत्पादक जो है इसमें बढ़ई है, इसलिए 16 का करेक्ट आंसर ए सही है, ठीक है ना। आगे देखिए 17 क्वेश्चन, उत्पादन का साधन है, पहला वितरण, बी है श्रम, सी है विनिमय, डी है उपभोग। 17 का करेक्ट आंसर बताइए, उत्पादन का साधन है, आप सब जवाब दें। आइए मैं आप सबको बताता हूँ, उत्पादन का जो साधन है वह श्रम है, श्रम के बिना उत्पादन नहीं हो सकती है, इसलिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी सही है, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन से 18 पे नजर डालते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है, पहला संगठन, बी है उद्यम, सी है पूंजी, डी है उपभोग, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, उत्पादक का साधन नहीं है इसमें से जो होगा वो 18 का डी सही है, उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर डी सही है, क्लियर। आइए 19 और 20 क्वेश्चन देखिए, लिखा है 19 में, निम्नलिखित में कौन पूंजी है, पहला फटा हुआ वस्त्र, बी है बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, सी है किसान का हल, डी है घर के बाहर बड़ा पत्थर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन पूंजी है, निम्नलिखित में कौन पूंजी है बताना है, पूंजी, तो देखिए किसान के हल से किससे खेती होती है और इस खेती से लोगों को पूंजी मिलती है ना, इसलिए 19 का करेक्ट आंसर सी सही है। देखिए 20 क्वेश्चन, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, पहला व्यवस्थापक, बी है पूंजीपति, सी है साहसी, डी है संचालक मंडल, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, 28 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर जो होगा, 20 क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा जो व्यक्ति जोखिम वहन करता है उसे साहसी कहते हैं, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर सी सही है। तो आपको अभी अभी जो मैंने सोशल साइंस के क्वेश्चंस बताएं उसमें आपके कितने सही हुए, और ये जो आपको डेली शाम 7:30 बजे रिविजन में ही डिविजन है का वीडियो चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप सब बताइए, और आप सब कैसे हैं, ठीक होंगे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, डैट इज ऑल फॉर टुडे, नाउ विल टॉक अबाउट टुमारो, गुड नाइट फॉर एवरी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कल फिर ऐसे ही वीडियोज के साथ 7:30 बजे फिर मिलेंगे, थैंक्स एवरी वन, गुड नाइट For everyone.